राजधानी देहरादून में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां बेटे ने अपनी ही मां की हत्या कर दी है। मामला डानलवाला का बताया जा रहा है और हत्यारे बेटे के पिता मुरादाबाद में डिप्टी एसपी के पद पर तैनात है। दरअसल कल देर रात अचानक युवक ने अपनी मां की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद आरोपी ने खुद अपनी नस काट ली। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को पुलिस ने हॉस्पिटल में भर्ती करवाया है। एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि युवक की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि पहले से ही उसकी विदाई दवाई चल रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अभी इसका पता नहीं चल सका है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। मुरादाबाद में पोस्टेड है पुलिस में, और इनके द्वारा जब सुबह कॉल किया गया था अपनी वाइफ को, तो ना उठने पर इनको शक हुआ, मतलब कल वो वहाँ से यहाँ पर आए। यहाँ पर अंदर दरवाज़ा बंद था, फोर्सफुली जब खोला गया तो अंदर छत लाश जो उनकी पत्नी की वो मिली, और इनका बेटा भी यहाँ पर आदित्य है, वो भी इंजर्ड है, मतलब अपनी नस कुछ काट रखी है। अभी तक प्राथमिक जानकारी में अभी तक ये पता चला कि कुछ मानसिक रूप से परेशान भी था, इलाज भी चल रहा था। किन परिस्थितियों में ये घटना हुई है वो पूछताछ के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन अभी तक जो प्रथम दृष्टया दिख रहा है कि ये घर के अंदर बेटे के द्वारा कहीं आवेश में आकर या कहीं अन्य मानसिक परिस्थितियों के जो बताया जा रहा है उनके पिताजी द्वारा, उसके कारण ये घटना की। पूर्व में भी ऐसे वो मारपीट की घटना है सब बता रहे करता था। अब क्या हुआ था कल रात, थोड़ा पूछताछ के बाद ही इसमें स्पष्ट हो।